फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल। माय सेल्फ निहारिका, और मैं रोज आपके लिए हेल्थ और ब्यूटी टिप्स लेके आती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो सके इससे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सरोजनी नगर जो मार्केट है दिल्ली की, और उसकी हकीकत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सरोजनी नगर मार्केट के बारे में आप लोगों ने, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो जरूर सुना होगा। ये चीपेस्ट मार्केट में इसका नाम आता है। लेकिन यहाँ पे जब कोई बंदा बाहर से आता है तो उसे बोला जाता है, वो पूछता है कि सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है, क्या है, तो उसे सरोजनी नगर का नाम जरूर लोगों की जबान में आता है। मेरा मैसेज सिर्फ आज उन लोगों के लिए है जो सरोजनी नगर से शॉपिंग करने हर वीकली या फिर हर मंथ में जरूर जाते हैं एक बार। तो मेरा आज इसलिए मैं आज लाइव हुई हूँ कि मैं बता सकूँ कि वहाँ पे जो ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पे जो क्लॉथ मिलते हैं, वो पुराने होते हैं या फिर एक्सपायरी होते हैं। मैंने खुद इस चीज को रियलाइज किया, क्योंकि जब मैं सरोजनी नगर मार्केट जाती थी तो वहां पे मैक के, लोटस के, लैक्मे के जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड है, वो आपको सिर्फ 25 रुपए में वहां की लिपस्टिक मिल जाएगी। और वहां पे पाउडर वगैरह जो भी आपको लेना हो, आईलाइनर, आईशैडो जो भी लेना हो, वो आपको 100 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? आपने कभी इस बात को नहीं सोचा, कभी गौर नहीं किया? आपको तो बस ये लगता था कि सस्ता है, जो भी मिल रहा है सारे ले आओ, मैं तो 500 रुपए में इतनी शॉपिंग कर ले आई सरोजनी नगर मार्केट से, ऐसा। लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या सस्ती चीजें भी हमारी हमारे जो है कितना, कभी कभी हमारे लिए कितना नुकसानदायक भी हो सकती है? जी हाँ फ्रेंड, एक बार मैं गई थी सरोजनी नगर मार्केट, तो मुझे याद है मैंने वहां से ये निविया का जो है, निविया कितनी अच्छी ब्रांड मानी जाती है, अगर देखें आप, ये लिपस्टिक आपको अगर आप किसी अच्छी मार्केट से लेंगे तो आपको ये मिलेगा 150 या 100 के आसपास मिलेगा, लेकिन ये वहां पे 20 रुपीज का मिला है। और आप इसे बिल्कुल ये पहचान सकते हैं कि ये जो है असली है या नकली, आप इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ ये मैं निविया की बात कर रही हूँ, वहां पे मैक तक के प्रोडक्ट की चीजें भी आपको इजिली 100 रुपीज के अंदर मिल जाएंगी। मैक के ब्रश वगैरह, जो आईलैशेस वगैरह होती है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे 50, 60, 70 के रुपीज के आसपास। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी हेल्थ के साथ इतना बड़ा जो है खेल खेल रहे हैं अपनी ब्यूटी के साथ में? अभी हमारे फेस में एक पिंपल्स हो जाता है तो उसको हम 50 बार देखते हैं कि ये क्या हो गया हमारे फेस में, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ भी नहीं। जब हम अपने फेस से इतना प्यार करते हैं तो फिर सरोजनी नगर मार्केट से हम ऐसे प्रोडक्ट लेके ही क्यों आते हैं? मैंने वहां से एक आई शैडो खरीदा था, मुझे याद है। तो फर्स्ट टाइम फिर जब मैं, मेरे घर में एक फंक्शन था तो मैंने उसे यूज किया, तो मेरी आंखें पूरी जलने लगी, और उसके बाद मैंने तुरंत उसे रिमूव किया और जाके वॉश किया वाटर से। और उसके बाद कुछ टाइम तक मेरे जो है आईज में हमेशा पेन बना रहता था। उसके बाद मुझे डॉक्टर को जाके भी दिखाना पड़ा। तो उसके बाद से मैं सरोजनी नगर मार्केट नहीं जाती हूँ। अगर कभी गई भी तो वहाँ पे नए कपड़े मिलते हैं, हो सकता है उसको लेने चली जाऊँ या कुछ भी। तो अभी क्या होता है कि सरोजनी नगर में जो कपड़े मिलते हैं लोगों के, मुझे आपने सुना हो या आप खुद भी गए होंगे तो इस चीज को रियलाइज किए होंगे कि जो कपड़े हमें 1000 में मिलते हैं मार्केट में, वो आपको वहाँ पे 100 में टी शर्ट मिल जाएगी, 100 में जीन्स मिल जाएगी, इवन 50 रुपीज में एक टॉप मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मैंने उनसे पूछा कि इतना सस्ता क्यों है वहाँ पे, तो उन्होंने यही बात बोली कि यहाँ पे इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपना टैक्स लगा कुछ सब कुछ पूरा ऐड करके हमें इतने का ही पे करती है, ज्यादा पैसे लगा के हमें सामान देती है। तो लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि 3000 की चीज क्या 100 रुपए में ये हमें ऐसे दे देंगे? जरूर उसमें कोई बात रहती है ना, इसीलिए जो है वो हमें इतने सस्ते में जो है तुरंत सेल कर देते हैं।
मेरा सिर्फ ये मैसेज आप लोगों के लिए है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उन लोगों के लिए है जो दिल्ली घूमने आते हैं, सरोजनी नगर मार्केट से थोड़ा सावधान हो जाए। मैं मना नहीं कर रही आपको, आप सरोजनी नगर मार्केट जाइए ही नहीं, बिल्कुल जाइए, वहाँ पे नए कपड़े भी मिलते हैं। और पुराने कपड़े की बात अगर हम करें, वहाँ पे कपड़े इतने सस्ते क्यों है, वो चीपेस्ट क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे मैं इलाहाबाद में रहती थी तो वहाँ पे क्या होता था, बर्तन बेचने आते थे तो वो कपड़े लिया करते थे, जैसे हमारे जो कपड़े पुराने बिना फटे हुए कपड़े होते थे वो उसे ले जाते थे, और मैंने सुना है कि पेट्रोल से उसके धूल से धुल करके अच्छे से ब्रश कर देते हैं तो कपड़े नए जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए जब आप उसे लेकर आते हैं, आप जो सेकेंड टाइम उसे वॉश करेंगे तो उसकी हकीकत निकल के आती है कि ये पुराने कपड़े हैं। तो ऐसे कपड़े ही सरोजनी नगर मार्केट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, वरना 50 रुपीज का टॉप कौन देगा, आप खुद बताइए। 50 रुपीज तो लागत होती है उस बनने में, हमें जो जितना सामान लगता है 50 रुपीज तो उसके भी कम्प्लीट नहीं होंगे जो आपको एक टॉप मिलते हैं, वहाँ पे एक टॉप मिल जाता है। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाने का ये मतलब ये मोटिव था कि आप लोग अपनी आईज के साथ, अपने लिप्स के साथ, अपने फेस के साथ में, अपनी हेल्थ के साथ में, अपने हेयर के साथ में, अपनी बॉडी के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो कपड़े कैसे किसके हो, कैसे क्या हो, जो हमारी बॉडी को काफी नुकसान भी हो सकता है, हो सकता है उससे हमें किसी से रिलेटेड कोई एलर्जी हो सकती है जो कभी ठीक ना हो, हो सकता है हमारी आंखें हमेशा के लिए जो है खराब हो जाए, हो सकता है हमारे लिप्स हमेशा के लिए ब्लैक बन जाए। अगर एक बार ऐसे कुछ हो गया तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो अगर आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बाहर दिल्ली में घूमने आते हैं, सरोजनी नगर मार्केट जाते हैं, तो प्लीज हो जाइए सावधान, ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए जो बड़ी ब्रांड का लीक करके, और इवन वहाँ पे जो लिपस्टिक वगैरह 10-10 रुपीज में 10-20 ये सब चीजें मिलती हैं। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें 10 की मिलती हैं, 20 की मिलती हैं, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट की सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट भी 20-30 रुपीज। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आपने लाया भी होगा तो आप यूज कर रहे हो सकते हैं, अभी आपको उसका कुछ नुकसान ना पता चल रहा हो, बाद में पता चलेगा आपको, जब आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती थी अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आज आप अगर आप लोगों के पास सरोजनी नगर मार्केट का कोई सामान ऐसा कुछ ले भी लिया आप लोगों ने, उसे तुरंत देख दीजिए। मैं कह रही हूँ आप अपने पास अच्छी जगह से ली हुई, अच्छी मार्केट से ली हुई ब्रांड के सिर्फ 3 लिपस्टिक रखिए, 1 आईलाइनर रखिए, 1 काजल रखिए, 1 पाउडर रखिए, लेकिन वो आपकी कम से कम आपके फेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि ऐसी चीजों से बिल्कुल बच के रहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलूंगी कि आज भी जो लोग सरोजनी नगर मार्केट की हकीकत को नहीं समझ पाए हैं, तो अगर आप शेयर करेंगे तो वो इस वीडियो के माध्यम से उस सरोजनी नगर मार्केट की हकीकत को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि वो वहां ना जाए, और अगर जाए भी तो बहुत ज्यादा जो है पूरा अवेयर होके जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।